सी बेसिक्स पहले बोर्ड पे लेके आता है, आपका पैटर्न सेम है पेपर के अंदर, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी रैशनलाइजेशन है जो एचसीएस के अंदर एक पेपर कंडक्ट कर रहा है। हर साल जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 6 ऑप्शंस आते हैं और 4 करनी होती हैं। इन 6 ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस आएंगी पेपर 1 या एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को लेके, और 3 ऑप्शंस आएंगी पेपर 2 या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। दो पार्ट्स हैं आपके पास, पेपर 1 या पार्ट 1 कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, पार्ट 2 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। देन जो नेक्स्ट है पार्ट ए के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 3, उसमें से करने हैं 2, पार्ट बी अगेन 3 क्वेश्चंस 2 करने हैं। पार्ट ए पूरे का पूरा फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है एज इट इज, और पार्ट 2 पूरे का पूरा फिर से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सो दे आर क्लियरली डिवाइडेड द सिलेबस, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दे हैव नॉट डिवाइडेड द क्वेश्चंस फर्दर। सारे क्वेश्चन जो है वो 30-30 मार्क्स के फिट करते हैं उन्होंने, ठीक। दे आर नॉट पुट की कोई 15 नंबर का कर दिया, कोई 30 नंबर का कर दिया, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल 7.5 मार्क्स ईच एंड दे आर ऑल 30 मार्क्स ईच, दे आर केप्ट इट सेग्रीगेटेड लाइक दिस। ओके, वन मोर फन फैक्ट, जितने भी क्वेश्चन इन्होंने डाले आज तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सारे यूपीएससी के कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हैं, एटलीस्ट 95%। 4 या 5 क्वेश्चन ही इन्होंने आज तक खुद बनाए एचसीएस मेंस के अंदर। इससे पहले जितने क्वेश्चन डाले हैं ये मैंने आपको दिया इसलिए कंपेयर करने के लिए। सो इसके अंदर सारे के सारे कॉपी पेस्ट यूपीएससी क्वेश्चन है विदाउट चेंजिंग इवन द स्टेटमेंट। जैसे 2014 में अगर पेपर डाला है तो 2010-11 के क्वेश्चन उठाकर उन्होंने उसमें डाले, Have not applied any mind, right? तो उससे हमारी गेम थोड़ी सी आसान हो जाती है। आज तक ये 60 क्वेश्चन डाल चुके हैं, हर सेक्शन में से करीब करीब अगर लेट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट आएगा आपके पास बेसिक प्रिंसिपल्स, अब इसमें टोटल जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं दे आर 30 क्वेश्चंस टिल डेट इन यूपीएससी। अगर मैं पिछले 20 साल के पेपर्स निकाल के देखता हूँ, ठीक, तो 30 में से 5 से उन्होंने एग्जॉस्ट कर लिए यहाँ पे ऑलरेडी। तो जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आप और आइडियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसी के आसपास क्वेश्चन घूमते हैं। हर चैप्टर में हमारे पास 5 से 6 कोर एरियाज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हीं कोर्स के आसपास आपके क्वेश्चंस घुमा घुमा के डालते रहते हैं कुछ नहीं। सो इन एवरी चैप्टर वी आर टू बेसिकली कवर दीज 5 to 6 कोर एरियाज। अच्छा, फिर इसमें भी हमारी सेग्रीगेशन है कि कौन से चैप्टर्स उठाने हैं कौन से नहीं उठाने। जैसे सर ने आपसे डिस्कस किया कि कुछ चैप्टर्स, लेट्स से देयर इज अ कैटेगरी ऑफ चैप्टर जहां से 70% से होता है, देयर इज अ कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स जहां से 20% से होता है, एंड देन थर्ड इज यू कैन लीव इट 10% से आराम से ऑप्शन में भी नहीं होता। तो वो कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स क्या है, सो दैट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड बाय द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। तो आप देखिए आपका जो पेपर 1 है उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर में से दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, सेकंड में से दे हैव आस्क्ड डेफिनेटली लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये 2003 से लेकर 14 तक जितने भी पेपर हुए सबका एनालिसिस है जो ऑनलाइन पेपर है, ठीक। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है हार्डली देयर इज एनी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डाले हैं। फोर्थ में से भी 2 ही क्वेश्चन है। फिफ्थ में से जो हमारी कैटेगरी है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन देयर इज जस्ट 1 क्वेश्चन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट 2 क्वेश्चंस, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल 1 क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 1 क्वेश्चन। फिर ज्यादा क्वेश्चन कहाँ आने शुरू हुए, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन CPA, राइट, देन पब्लिक पॉलिसी, इसमें से क्वेश्चन आए। सो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसिक प्रिमाइसेस, ये 4 चैप्टर अगर आप सेट करते हो तो आपका कितने परसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक सीधे सीधे काउंट कर सकते हो आप। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेस भी ये 4 ही चैप्टर्स हैं। जब हम कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी जो ABCD है वो 3 या 4 चैप्टर से बेसिक्स डिफाइन होते हैं हर ऑप्शन के अंदर। तो हमारे वो 4 ऑप्शंस हैं, 4 चैप्टर्स हैं। यू हैव टू डू द इंट्रोडक्शन जो बेसिक प्रिंसिपल्स वाला है, देन यू हैव टू डू द थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी काम करते हैं। इससे आपका 50-60% खत्म हो जाता है, ठीक। देन अगला पेपर देखो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन,
चलो ये तो आपने अभी तैयार करने हैं 30 क्वेश्चन, आपको इसके बारे में नहीं पता, बट लेट्स लुक एट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट किसी एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। The Indian administrative structure is largely a legacy of British rule. मतलब बहुत कुछ हमने borrow किया, Government of India Act 1935 borrow किया, right? जो बहुत सारी post हैं, जैसे district collector borrow किया, तो इस तरह की administrative posts हैं, वो borrow की हुई है। जो directorate और secretariat वाला system है, वो हमने borrow किया है। जो parliamentary form of government है, वो borrow किया है। ये सुनो, तो what is British legacy? अब अगला question पढ़ो। Though India emerged as a sovereign state after independence, the administrative system remained the same as was during British period. क्या दोनों questions में कोई फर्क है? उधर भी वो British legacy पूछ रहा था, इधर भी British legacy पूछ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी restricted legacy पूछ रहा है, सिर्फ administration के लिए। उधर आप broad कर सकते हो, इतने ही फर्क है बस। फिर अगला question देखो, environmental setting, जिसमें कि constitution, parliamentary democracy, federalism, planning, socialism, इस तरह के chapters हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपने इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जब आप पढ़ते हो उसके लिए तैयार कर रखी होती है। देखो, मेन फंक्शंस ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी इज टू इंश्योर दैट द मनी ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट हैज बीन स्पेंट विद इन द स्कोप ऑफ द डिमांड। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी आपने पढ़ रखा है, उसका फंक्शन और सिग्निफिकेंस ये पूछ रहे हैं डायरेक्ट। फिर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर सोशलिस्टिक इन देयर डायरेक्शन एंड कंटेंट। अगर आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ी है तो इवन उसमें भी ये मेंशन है, ठीक। देन The cabinet is the pivot around which the political machinery revolves. तो basically आपकी जो council of ministers है उसमें से cabinet की क्या significance है वो पूछ रहे हैं। Then, setting up of planning commission has in practice restricted the scope and functions of the finance commission. तो finance commission और planning commission की आपस में हमेशा टंती रही है। कैसे उसने powers of planning commission and finance commission में imbalance है, तो वो हमने बात करी। Then The rise of Prime Minister's Secretariat and the Cabinet Secretariat in India during the past three decades is an indication of the growing centralization of policy and decisional authority in the position of Prime Minister. Examine. So, centralization or decentralization ki baat hai. Jaise abhi Narendra Modi ke time pe fir se Prime Minister's office upar upar kya hai? Wo direct bureaucracy se baat karta hai. That way. Then, Article 320 states that the government shall consult the UPSC on certain specific matters. Tamam. ये जो सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट के लिए बात हम करते हैं, सो आर्टिकल 312 से लेकर 320 तक यूपीएससी के बारे में बात होती है। तो आपकी कैसे सिलेक्शन होनी चाहिए, प्री मेंस का पेपर कैसे होना चाहिए, इस तरह की बातें। देन सेंट्रल सर्विसेज आर मोर ऑल इंडिया इन कैरेक्टर सर्विसेज, तो कंपैरिजन है आईएएस आईपीएस एंड रेस्ट। देन आगे के भी क्वेश्चंस कुछ इसी तरह से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, राइट। सो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर। The functioning of public sector has been changing tremendously in context of liberalization. I mean, जैसे Coal India Limited है, अभी उसके shares बेचे जा रहे हैं, privatization, liberalization, globalization ये चल रहा है, तो उस functioning matrix के बारे में बात करें। Public sector banks हैं, उधर project इंद्रधनुष चल रहा है, कुछ हद तक उनकी भी privatization हम करने को तैयार है, right or not? Right. फिर आगे देखिए, discuss various methods of control over public expenditure which are exercised by Indian Parliament. तो आपने बजटिंग के टाइम पे पढ़ा ना, टोकन कट, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, उसी की बात हो रही है। फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन, सेकंड राउंड डिस्कशन बजट के बारे में, उसका प्रोसेस। देन डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया, गिव सजेशंस इन लाइट ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आज तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप पेपर देखोगे तो 60 क्वेश्चंस हैं टोटल हमारे, उसमें से 30 क्वेश्चन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के, 30 क्वेश्चन करीब हमारे पेपर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में से। अबाउट में 30 क्वेश्चन आपके ऑलमोस्ट अभी तैयार हैं, अगर आप पिछले हर साल पेपर देने जाते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज़ दे आर जनरलिस्टिक इन नेचर एंड दे आर बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर फील्ड जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है पॉलिटिकल गवर्नेंस के अंदर। बार-बार आपको सिर्फ उसमें थोड़ी सी रिफाइनमेंट की जरूरत है ताकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से क्वेश्चन लिखा हुआ लगे। वो रिफाइनमेंट क्या है, कुछ खास कुछ थिंकर्स हैं जिनका हमने कभी कभी नाम कोट करना होता है, कुछ पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में सिमिलैरिटीज हैं जहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिस उनको दिखाना होता है कि ये इसके हिसाब से। जैसे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्यों बनाया गया, डिसेंट्रलाइजेशन।
तो हमारा थ्योरेटिकल प्रीमाइस क्या आता है, डिसेंट्रलाइजेशन, और प्रैक्टिकल प्रीमाइस क्या है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इतना सा कोरिलेशन दिखाने की बात होती है बस, और कुछ नहीं है। दिस इज पेपर टू, तो वो आपका सिक्योर करता है ये वाला पार्ट और इधर ये वाला पार्ट। 50% यू आर ऑलरेडी टू एन एक्सटेंट प्रिपेयर्ड, गेटिंग द आईडिया। बचा ये जिसके लिए आपको तैयारी करनी है, दिस रिक्वायर्स यू टू प्रिपेयर 35 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी आउटलाइन। और आउटलाइनिंग का तरीका क्या है, अब ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं ये सारे यूपीएससी के कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, तो जो यूपीएससी के क्वेश्चंस में से पूछ चुके वो ये कभी रिपीट नहीं करना, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हीं में से रिपीट करना है या उन्हीं से उठाना है इन्होंने नेक्स्ट, यस और नो। एंड उनमें भी बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने अभी ब्रिटिश लेक्सी का क्वेश्चन देखा, इसी तरह से ओवरलैपिंग से क्वेश्चंस हैं, तो आप अगर 3 या 4 उनमें से बेस क्वेश्चंस पिक कर दो तो उन्हीं के आसपास बाकी सारे क्वेश्चंस घूमते हैं, तो हमारा फोकस रहेगा वो बेस क्वेश्चंस, और वो बेस क्वेश्चंस होंगे यूपीएससी वाले डायरेक्ट हिट करने के लिए। Getting the idea? So you have to essentially prepare for how much? 50%. 50% you are already there without doing much effort. जो कि आपने प्री के लिए तैयारी की हुई है उसमें से आपकी काफी काफी तैयारी हो चुकी है उसके अंदर। आपको ये बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है कि प्रेसिडेंट की पावर्स कौन सी होती है या डिस्क्रिशनरी पावर से नुकसान होता है फायदा होता है या गवर्नर की किस तरह की पावर्स होती है, ऑलरेडी यू हैव सफिशियंट आइडिया अबाउट इट। हमें तो सिर्फ उसको पॉलिश करना है और फिनिश्ड आंसर राइटिंग आपको देखनी है। तो टोटल मैंने इसमें 64 क्वेश्चंस अलाइन किए हुए हैं दोनों को मिला के, 35 क्वेश्चंस ऊपर और करीब 30 क्वेश्चंस नीचे, 64-65 क्वेश्चंस हम करेंगे। करने का तरीका क्या है, क्लास में फर्स्ट हाफ एन आवर विल बी डेडिकेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर। कि एक चैप्टर अगर हम पहले वाला पढ़ रहे हैं बेसिक प्रीमाइस, तो उसमें क्या है सारे का सारा, उसके बाद डायरेक्ट उसके क्वेश्चन आंसर, ये तरीका है। और आप सब्जेक्ट कोई भी चुने, ओवरऑल आपकी जो जीएस है या ऑप्शनल है उसमें आंसर राइटिंग करने के बेसिक प्रीमाइसेस 3 या 4 ही होते हैं। वो बेसिक प्रीमाइसेस होते हैं 3, पीपल, प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, बस ये 3 प्रीमाइसेस के आसपास आपकी आंसर राइटिंग। जिस दिन आपने 3 प्रीमाइसेस फॉर्मूला सीख लिया, यू आर डन विद मोस्ट ऑफ योर आंसर राइट, वेदर इट इज जीएस और ऑप्शन। ये पीपल प्रोसेस इंस्टीट्यूशन का फंडा है क्या, सो आई विल टेक 5 मिनट्स एंड आई विल एक्सप्लेन, ताकि आप अभी से अपने थोड़ा बहुत चिंतन उसकी तरफ कर सकते हैं। आप जीएस में कुछ भी पढ़ते हो तो इससे आगे नहीं पढ़ते पीपीआई फॉर्मूला से, जैसे give me any example from a GS topic that you have studied, anything which you would like to discuss. Governor, so governor is an institution, yes or no? The election of a governor is through a process, yes? How he affects people like in Delhi you see, and how he is affected by the people. These are the 4 dimensions which you study in terms of government. Do you study anything else? People, process and institution. Now, further, हर institution के अंदर एक quality 3-4 होनी चाहिए, वो क्या क्या है? An institution should be accessible. So is governor accessible to the general people? Not so much. इसी वजह से क्या हम गवर्नर के बारे में बहुत चिंता करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर? नहीं, उसका कोई डेमोक्रेटिक रोल नहीं है इसी वजह से। देन इट शुड बी इनेबलिंग, सो इज गवर्नर इनेबलिंग और डिसेबलिंग टू द गवर्नमेंट दैट इज वर्किंग? ही मे बी डिसेबलिंग, बट फॉर द पीपल एंड द सेंटर ही मे बी इनेबलिंग, यस और नो? दैट इज व्हाट काइंड ऑफ रोल ही प्लेस, गेटिंग इट? Then, whether it is empowering or disempowering, so it may be empowering the people and maybe disempowering the government. Getting the point?
सो दिस इज द वे टीचर और इसके एडजेक्टिव्स. तो जब आप इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हो तो इस तरह से आप इंस्टीट्यूशन स्टडी करते हो और इसी फॉर्मूला के अंदर इंस्टीट्यूशन चलते जाते हैं. फिर हर कोर एस्पेक्ट का पेरिफेरल क्या है, या जब आप डायमेंशन बनाने की कोशिश करते हो तो क्या है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल. ये चार कोर डायमेंशन. जब भी किसी चीज का एनालिसिस करता हूं, व्हाट इज द सोशल रूल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, इज देयर एनी? जनरली ही इज अ चांसलर टू द यूनिवर्सिटीज. यस सर, दिस बेसिकली द फॉर्मूला हेल्प्स यू थिंक. आमतौर पे हमें ये सोशल रूल पता था क्योंकि फॉर्मूला सामने, तो हम सोचना शुरू किया. व्हाट इज द पॉलिटिकल रूल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट? He is the agent of the central government. Very good. What is the economic role of the institution of governor? Political role में और भी बहुत कुछ है. वो quarterly reports भेजता central को, हर 15 days में reports भेजता, कैसा चल रहा है. नहीं तो state government में क्या president rule लगाने की जरूरत है? Release of money bills. Yeah, economic role is revision of money bills. बहुत सारे ऐसे bills हैं जो parliament में तभी pass होंगे अगर governor उनको yes बोलेगा. है? और governor उनको reference of president के लिए भेज सकता है. पीपल के लेवल पे आपने सोचना हो तो आप सोचोगे अफेक्टेड. People are generally affected by something, they cause something, yes or no? They participate in something, or they are either aware or generate awareness about something. Right? Any kind of people-centric thing, you have to work in like this four basic ideas. Ab process ki agar main baat karunga, तो प्रोसेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. जैसे प्रोसेस शुड बी कंप्लीट. अगर वो इनकम्प्लीट प्रोसेस है, लेट्स से वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स अ प्रोसेस ना. डेमोक्रेसी, इट्स अ प्रोसेस. इलेक्शंस इज अ प्रोसेस. इफ इट इज इनकम्प्लीट मींस आपकी बहुत ज्यादा जो उसमें एफिशिएंसी नहीं आई, बहुत ज्यादा वो अच्छा प्रोसेस नहीं, कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट है. इसी से साथ रिलेटेड चैलेंजेस रहेंगे. Why it is incomplete, whether it is social completeness, political, economic or cultural, किसी ना किसी लेवल पे आपकी incompleteness process में आएगी, इस वजह से रह जाएगा. और completeness भी होगी तो इसी वजह से complete होगा. और process होता भी चारों तरह के, social, political, economic, cultural. Getting the point? Okay. Then a process should be, what else? क्या सोच सकते हो? Apart from being complete, what should be a process? Transparent or clear. हर एक बंदे को पता होना चाहिए कि प्रोसेस है क्या. लेट्स से अब गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम्स आती हैं, पर वो क्यों कामयाब नहीं होती? क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि वो है क्या. देयर इज नो क्लैरिटी. देयर मेनी स्कीम्स. हाउ टू टेक द फुल बेनिफिट ऑफ दैट स्कीम, दे हार्डली नो. सो अ प्रोसेस शुड हैव क्लैरिटी, एंड द क्लैरिटी इज बिल्ट सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली. अगेन, if it is not built through again, then also to what else should be a process? A process should be democratic. Hamare liye means it should involve people participation. Yes, what else in today's age a process should be? Digital. That means have a higher scope. It should not be limited in terms of scope. It should have a higher scope. Getting the idea? ये कुछ basic premises हैं जिससे हमारा Indian administration का paper काफी हद तक हल हो रहा है. जो आपने basics पढ़े होते हैं उन्हीं से आप uplift कर देते हैं, चाहे GS का paper हो चाहे Indian administration का paper. इसी के अंदर कुछ core theories जोड़ते हैं हम paper 1 या administrative thought का.
ये कोर थ्योरीज जोड़ के आपका पेपर वन भी सेट हुआ। वो कोर थ्योरीज कितनी है? 10। तो 10 थ्योरीज अगर आपने सेट कर ली, कुछ नहीं उसमें, सब में टर्मिनोलॉजी होती है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक वोकैबुलरी है। जैसे गवर्नेंस, सो व्हाट इज इट, व्हाट इज गवर्नेंस, व्हाट इज ई गवर्नेंस, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, ये कोर टर्मिनोलॉजी है। अगर ये सेट होगी काम हो गया, और आपने आधे से ज्यादा पढ़ रखी है ना यूपीएससी की तैयारी के चक्कर में या किसी भी तैयारी के चक्कर में या अखबार में, ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन है, राइट? हायरार्की, लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज, ब्यूरोक्रेसी, तो उसके साथ पीछे कुछ उन्हीं टर्मिनोलॉजी के पीछे कुछ बंदे खड़े हैं। जैसे ब्यूरोक्रेसी है तो वेबर है हमारे यहाँ पे, साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, राइट? इसी तरह से जनरल मैनेजमेंट है तो फ्यूल है, इस तरह कुछ बंदे उसके पीछे खड़े हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। बस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर लेने का यही तरीका है कि आपने अगर कोई टर्मिनोलॉजी यूज किया तो वो किस बंदे के साथ एसोसिएटेड है, बस उसका नाम एक मेंशन कर दो आप। द टीचर विल बी वेरी हैप्पी कि इट्स नॉट अ जनरल आंसर, इट्स अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंसर। बस इतना ही फर्क होगा। अगर मैं बोलूँ गुड गवर्नेंस तो उसके पीछे किसी का नाम खड़े होना चाहिए, जैसे वर्ल्ड बैंक, सबसे पहले वो एक कॉन्सेप्ट है, राइट? तो दैट्स द कोर। अब सिस्टमैटिकली हम करेंगे कैसे इसको, हर रोज फर्स्ट 35 मिनट्स विल बी डेडिकेटेड टू द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द चैप्टर, कि सारे चैप्टर में है क्या, 5-6 कोर बातें है क्या। उसके बाद हर रोज अपना टारगेट रहेगा उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन करने का, डिक्टेशन ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्ट, कि ये 8 क्वेश्चन है पहले चैप्टर में, तो इन 8 क्वेश्चंस के आंसर क्या है, और इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से कर सकते हैं। लेट्स से आई गिव यू वन क्वेश्चन, तो यूपीएससी भी उसी के साथ रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स आती हैं, तो 4 स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन ही बनता है, तो हम उस एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे जी, जो बाकी चारों को भी आंसर कर देगा पेपर में अगर आ गई तो, डन। और ओवरऑल आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिक फॉर्मूला इतना सा है कि आपने अगर 4 चैप्टर बेसिक से पढ़ लिए शुरू शुरू में, उसके बाद उन्हीं 4 चैप्टर्स का कंटेंट आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया, बेसिक प्रीमाइसेस, फिर थ्योरीज, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, खत्म। यही 4 चैप्टर्स की एप्लीकेशन थ्रू आउट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी तरह से हमने बेसिकली 8 क्वेश्चंस अगर कर लिए, दैट विल कवर एसेंशियली 40 क्वेश्चंस इन माय चैप्टर, जो हमारे 8 क्वेश्चंस हैं, दे आर ब्रॉडर स्कोप, वही रिपीट कर करके स्टेटमेंट्स ही डालते रहे, तो एक क्वेश्चन के साथ हम उसके सिमिलर क्वेश्चंस जितने यूपीएससी में आ चुके वो लिख के उसका आंसर बनाएंगे, काम। और आंसर हमेशा हम ब्रॉड बनाएंगे, हम आंसर हमेशा 500 वर्ड का आंसर लिखेंगे, ताकि उसको ट्रिम करके आप 300 पे भी जा सको, ट्रिम करके 600 पे भी जा सको, ठीक? सो एसेंशियली हमारा एक गोल क्लास में क्या रहेगा कि मिनिमम 3000 वर्ड्स लिखने हैं, होगा लिखने की प्रैक्टिस भी तो चाहिए ना पेपर के अंदर, क्योंकि इधर आपके जितने नंबर ऑफ वर्ड्स वो आपसे चाह रहे हैं वो कितने हैं सोचिए, इफ देयर आर 30 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 4 क्वेश्चंस, हाउ मेनी 600 वर्ड्स इनटू 4, 2400 वर्ड्स तो है ही ना, प्लस फिर एक मैंडेटरी वाला क्वेश्चन भी है, सो अराउंड 3000 वर्ड्स दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट विद इन 3 आवर्स, तो ये आपकी डेली राइटिंग प्रैक्टिस साथ में होंगे क्लास में। Getting the point? तो आप अब इन questions का अपने basis पे analysis करो, ठीक है? I'm leaving the document with you. जब आपकी हो जाएगी analysis तो ये document आप मेरे पास submit करते हैं। Class के बाद हम शुरू करेंगे, जब भी आपकी class शुरू होगी। I think your batch is starting on 2nd or 3rd? 3rd, right? 3 to 5. Alternate days को? Alternate days. एक दिन आप जैसे सोशो करेंगे, एक दिन पकड़ करेंगे। ऐसे होगा, ठीक है? So it will go like this, one. जैसे आपने एक दिन सोशल लगा दिया तो उस दिन पकड़ नहीं होगा, अगले दिन पकड़, फिर अगले दिन सोशल होगा, फिर अगले दिन पकड़ होगा, इस तरह से सेकंड। सो टोटल जिस जो इसमें सैंक्शन चैप्टर्स है ना, जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो आपको यही देख के समझ आ रहा है डॉक्यूमेंट, कि पिछले 10 साल में वो कौन से चैप्टर्स पिक कर रहे हैं, इजीली अंडरस्टैंड just by looking at it, you can do your own analysis. आप लोगों में इतनी maturity है,
किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये 10 चैप्टर का बना हूँ, ठीक। सो वो चैप्टर्स आप खुद देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसके बेसिस पे यू कैन टेक द डिसीजन कि आपको कैसे करना है। बस इतना ही है कि टोटल 64 से 65 क्वेश्चंस अगर आप रेडी कर लोगे, जिसमें से 25-30 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते होंगे, अब आप पढ़ोगे तो पता रहेगा, तो इट इज वेरी इजी, ठीक। आप लेकिन ये किसी के बोलने पे मत जाइए, आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए कि जब वो करंट अफेयर पूछे तो क्या पूछा। अब 2014 का एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, कम टू दिस प्लानिंग, दिस वन मिशनरी ऑफ प्लानिंग, लास्ट वाले का। अब नीति आयोग ने आया था ना टॉपिक, इसमें और तो कुछ नहीं है, लेट्स सी। एलुसिडेट हाउ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नीति आयोग कुड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज मार्क्ड इंप्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस प्लानिंग कमीशन। अब क्या ये क्वेश्चन आपने जीएस के लिए तैयार नहीं किया, किया हुआ? अब यही इसमें करंट अफेयर है। आई टीच इकोनॉमी एज वेल एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो इकोनॉमी में हमने जीएस में डेफिनेटली क्वेश्चन तैयार किया कि हाउ इज प्लानिंग नीति आयोग बेटर देन प्लानिंग कमीशन, राइट और नॉट। उसके अलावा आप कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन ढूंढो, अब जैसे यही क्वेश्चन देख लें, इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर देखो, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट has empowered citizen and has increased transparency and accountability in the working of government. Comment. क्या मैं RTI Act को करंट अफेयर बोलूं या नीति आयोग को करंट अफेयर बोलूं? नहीं ना, इट इज स्टैटिक वेरी मच नाउ। हमने तो एनालिसिस देना है इसके ऊपर, वो हम ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आप जीएस पढ़ रहे हो तो क्या आपने RTI नहीं पढ़ा? पढ़ा ना, बस और बताओ। So essentially, ऐसे ही है, आगे देखो, have the constitutional provisions conferring special protection to SC, ST, women, children, older persons ensured social justice in India? Simple basic questions they have asked. आपको उसके लिए बस content तैयार करना है, वो content हमने आपको as it is लिखवा देना और आपने रट्टे मार के पेपर में लिख के आना, काम हो। हर question के जो 30 number का है ना, examiner के दिमाग इतना है कि उन्होंने 15 point देख लिया। क्या इसमें 15 पॉइंट हैं? हैं तो ठीक है, 30 नंबर दे दो, नहीं है तो उतने काट दो, सीधा देखो। अगर 7.5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसने देखना है कि क्या इसमें 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट नहीं है तो बस फिर उतने कर जाए, काम कुछ नहीं करना, 1.5 मार्क्स का एक पॉइंट, इस तरह चले, क्लियर है? वेरी प्रिसाइज की एज इट इज वो पूछ क्या रहे हैं, हमने उसी हिसाब से काम करना। कोई अगर आप इधर उधर हिलते रहेंगे तो उतना ज्यादा आप ही का डैमेज है। और इसमें जो इससे पहले क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जो इससे पहले पेपर हो चुके हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशियोलॉजी में, इन तरह के सब्जेक्ट्स में वो खुल के नंबर आराम से। आप देखिए मैक्सिमम जो पेपर लेने वाले बच्चे हैं HCS में, आपको पब्लिक सोशल नजर आ जाएगा, हिस्ट्री भी फॉर दैट मैटर आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री थर्ड बेस्ट ऑप्शन उसमें आता ही आता है, क्योंकि आपने जीएस में तैयार किया होता है और उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, दैट सर विल बी एबल टू डू बेटर, उन्होंने अपने लेवल पे पूरा एनालिसिस उसमें कर रखा है, देन यू मेक योर फाइन चॉइस जो भी करना है। यस उसमें हर साल विदाउट फेल 30+ मार्क्स की इकोनॉमी आती है, तो क्या आप इकोनॉमी ऑप्शन ले लेंगे? 100 में से 30 नंबर प्लस की, एक ही साल है जब 30 नंबर की आई है, बाकी साल 37, 35, 32 इस तरह से है। जाके आप क्लियरली एनालिसिस करके देखो, क्वेश्चंस देख के बस, नहीं अगर डाउट होता है तो मेरे पास आके पूछ लेना, मैंने हर साल का बनाया हुआ कितने कितने क्वेश्चन आए, जरा आई टीच इकोनॉमी ऑप्शन। सो 30% तो आपका कवर्ड है इकोनॉमी के अंदर, 20% आपका कवर्ड है स्टैटिस्टिक्स के अंदर,
आना ही आना है हर साल क्वेश्चन स्टार्ट का, फिक्स्ड है, तो 10-20% इज फिक्स्ड इन स्टैट, सो इकोनॉमी एंड स्टैट टेक अवे 50% ऑफ योर जीएसटी पेपर, बट दे डिड, अब जो बचा 50% पेपर है उधर उन्होंने ज्योग्राफी भी पूछनी है, हिस्ट्री भी पूछनी है, पॉलिटी भी पूछनी है, आया ना, और करंट अफेयर भी पूछना है, करंट अफेयर में क्या पूछना है, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज, वो ले देके फिर इकोनॉमी में पूछ जाता है क्वेश्चन, साइंस एंड टेक, पांच एरियाज हैं, पांच क्वेश्चन, समझ आया, तो ये सोच के कभी बड़े सब्जेक्ट को कॉम्पोनेंट को हाथ में लेने से पहले सोचना है कि उसमें से क्वेश्चन आएंगे कितने और आए कितने हैं, ये तो देखना पड़ेगा ना, एज एन एग्जामिनर आप एक ही क्वेश्चन भी सब में से लोगे काम कर दो, तो हमारे ऑप्शनों की सिलेक्शन और हमारे जीएस की प्रिपरेशन बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल दिमाग में से बाहर निकालो, ठीक, जो आप ऑलरेडी कर चुके वो आपको ऑलरेडी फायदा दे रहा है, दैट्स फाइन, बट ओवरऑल जो आपकी ऑप्शन की सिलेक्शन है वो इस तरह से इसके पैटर्न के बेसिस पे नहीं चल सकती, आप देख लो पिछला कोई भी पेपर निकाल के देखो 2003 से लेकर 14 तक, आई हैव डन माय एनालिसिस, मिनिमम 50% इज गॉन हियर, इकोनॉमी एंड स्टैट्स एंड रेस्ट इज दिस, एवरी ईयर वन क्वेश्चन, दिस इज द वे योर जीएस पेपर इज, ये दिमाग से निकाल लो, और डिस्कस बेटर इट इज, आपके वो निकलेंगे ना जब फंडा क्लियर हो जाएगा कि हां ठीक है ये होती है सीएस में, जैसे हमने शॉर्टेज स्टार्टिंग में लिया था जी, एक तो हमने क्लासेस लगाई थी मतलब सब की, आपका हो चुका है सोशियोलॉजी बेस, दूसरा हमने मतलब पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो दूसरा हमारे माइंड में एक चीज थी सोशियोलॉजी का जो होता है सबसे कम सिलेबस होता है, जो मतलब क्या होता है, लेट मी ट्राई टू कम टू दैट, कम सिलेबस का मतलब होता है कि मैं कम पढ़ूंगा और उसकी एप्लीकेशन ज्यादा, तो मैंने जैसे बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने चार चैप्टर पढ़ने और बाकी के जो 20 चैप्टर्स हैं उनमें उन्हीं चार चैप्टर्स की एप्लीकेशन ओवरऑल, दैट इज द कम सिलेबस, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है इस डिसिप्लिन की वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वो पहले चार चैप्टर में टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं, उसके बाद उन्हीं कॉन्सेप्ट की बार 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 एप्लीकेशन, और कुछ नहीं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन, अब फर्ज कीजिए अब आपने पार्लियामेंट पढ़ा हुआ है तो पार्लियामेंट में आपने क्या पढ़ा, वही प्रेसिडेंट है ना, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो सारी चीजें आप पढ़ते हो यूनियन एग्जीक्यूटिव में, स्टेट एग्जीक्यूटिव उसी का रेप्लिका नहीं है, आया ना, तो आपने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैंने क्या बताया, वही इंस्टीट्यूशन है, बाकी फिर वही आ जाता है, उधर क्या जाता है गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये सुनो, इसी तरह से पेपर वन में भी कोर थ्योरीज वही है, जैसे वो बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, हायरार्की बॉटम अप टॉप डाउन, इस तरह के चार पांच से कॉन्सेप्ट है, ठीक, कि एक बंदे को सोशलिस्टिक पैटर्न से देख रहा है, एक इकोनॉमिक से देख रहा है, एक मशीन की तरह देख रहा है, किसी तरह से देख रहा है, बस इस तरह से थ्योरीज बनी हुई, अब उन्हीं थ्योरीज का आपका ओवरऑल यूज है, और गिन के थ्योरीज 10 है हमारे पास काउंटेड, जिनका हम एक टेबल बनाएंगे और काम खत्म हो जाए, ये बंदा इस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला और इसकी यहां यहां एप्लीकेशन काम कर, उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर किया, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, आई स्विच टू दिस सब्जेक्ट इन यूपीएससी 2011 अटेम्प्ट व्हेन आई क्लियर्ड इट, तो उस टाइम पे मेरे पास पहले केमिस्ट्री हुआ करता था, केमिस्ट्री के बाद जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आया तो मुझे इसको प्रिपेयर करने में उस टाइम पे 2.5 महीने लगे, विद इन द टाइम ऑफ प्री एंड मेन जो गैप मिलता है उसके अंदर मैंने इसको प्रिपेयर किया था, और हमने तो तब पूरे क्लास नोट्स बनाए थे डेली, अब आपके लिए जो वो है दिस इज टू बी डन विद इन 20 डेज, सो 20 डेज में उसको कैसे करना है वो ऑलरेडी डायरेक्ट फॉर्म में वो फिट है, तो आपको उसी तरह से मैंने कराना है, नोट्स जो है पेपर वन के और पेपर टू के सेग्रीगेट करके मैंने रखा है, टोटल 50 पेज आपको पेपर वन के हैंड आउट देने, 50 पेज पेपर टू के देने, जो आपने घर जाके पढ़ने क्लास में,
जो चैप्टर वाइज देना है, मैंने से पहला चैप्टर है तो उसमें से तीन पेज 50 मिनट और बाकी मैंने आपको लिखा था क्लास में, दैट्स दिस वर्क वी गॉट 100 पेज हाथ के लिखे हुए। मेरा एक स्टूडेंट था रैंक 293 है, तो उसके वो छोटे कट शॉर्ट नोट्स उसने बना रखे हैं, तो वही कट शॉर्ट नोट्स मैंने आपको देने आ रहे थे। 50 पेजेस है पेपर वन के, 50 पेपर टू के, फिनिश। कुछ नहीं करने की आते ही नहीं, क्योंकि जो मैंने दिखाओ कंसल्ट किया था जो एक्सेस की जारी था उनका बहुत ही नेगेटिव रिव्यू कुछ, जस्ट लुक एट इट, आपके पास तो क्वेश्चंस दे दिए मैंने, सो यू कैन मेक एन ऑब्जेक्टिव रिव्यू कि होता क्या। 2003 से लेके 2014 में क्वेश्चन है जो उनकी वेबसाइट पर पड़े, अगर आपको इनमें से कोई भी करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन दिखे तो फिर बता दूँ। करंट अफेयर वो होता है जो अगर मैं अखबार से ना पढ़ता तो शायद मैं पढ़ता ही ना, है ना, अदरवाइज इट इज कैट इट्स एन इशू बेस्ड डेवलपमेंट, इशू बेस्ड डेवलपमेंट तो है ही। अब अगर मैं सोशल इशूज की बात करूंगा, विमेन एम्पावरमेंट की बात करूंगा, अगर मैं आज का रिसेंट डेटा दूंगा तो अच्छा ही है, ये तो मुझे जीएस के लिए भी पढ़ना था और इधर भी पढ़ना है, ये सुन। सोशल जस्टिस की बात करूंगा तो एनसीआरबी का डेटा मैं दूंगा तो अच्छा ही लगेगा, बुरा थोड़ी लगेगा। Getting the point? UPSC कौन कौन दे रहा है प्री, मैंने तो उसकी चिंता करो है ना, एंड टेक अ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू इट व्हाट एवर इट इज, काम शुरू करो अपना ताकि HCS मेंस में आपकी स्ट्रीट सिक्योर हो जाए, राइट। चलिए आई विल लीव यू विद सर नाउ, ही विल टेल यू अबाउट हिस्ट्री द बेस एंड दैट्स इट, थैंक यू।